हेलो दोस्तों, मैं आशीष, आप देख रहे हैं नाइट टेक किचन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं फ़ोन यूज करता हूँ, MI A1। ठीक है, ये मैंने शायद मेरे 4 या 4.5 महीने हो गया ये यूज करते हुए। तो आफ्टर 2 मंथ यूज के बाद तो मेरे को ऐसा लगा यार, फ़ोन में कुछ किसी के बातों पे आके मैं कर लिया, क्योंकि इसका डुअल कैमरा था। तो मतलब लगे यार, फ़ोन थोड़ा सही नहीं है, क्या स्टॉक बात में है। है हाँ एंड्रॉयड तो आर आर रोम, तो कस्टम रोम उसको मैंने इसमें फ्लैश कर दिया। तो आई थिंक मेरे को एक 1.5 महीना पूरा हो गया है मेरे ख्याल से। तो बहुत बढ़िया चल रहा है फ़ोन, इतना मस्त चल रहा है मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, कोई भी एक बग नहीं है। मेरे को जो कैमरा का इशू था, जो मेन कैमरा का, तो वो भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब कोई वो नहीं आता, दिक्कत नहीं होता कैमरा में, जैसे हम पोर्ट्रेट मोड में करते हैं या सेल्फी मोड में करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ एक वो मैसेज दे देता था कि नॉट वर्किंग, ठीक है, अब ये सही काम कर रहा है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब पर लोग पागल हो रहे हैं कि MI A1 का 8.1 कब आएगा कब आएगा। भाई, हमें उससे मतलब कि आप कस्टम रोम यूज़ करिए और मारिए ये गोली MI के अपडेट का। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना ये यूज कर रहा हूँ, कस्टम रोम। तो मैं सोचा चलो आपको बता दें वीडियो बना के, ताकि आप लोग भी इंटरेस्ट हो ये रोम यूज करने। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं इसको स्विच अप करूँगा और ऑन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्टार्ट में कर दिया। ये देखिए, ये जो रोम आप संभाल पा रहे हैं, ये देखिए आरआर रोम है। मैं इसको इंस्टॉल किया हूँ लैपी के साथ, आप लोग भी कर सकते। ऑन हो गया, अब एक बार उसको ओपन करते हैं। आपको अगर एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे देखें, डबल टिक किया, कहीं कुछ हाथ नहीं है मेरे, देखो दो बार स्क्रीन पे क्लिक किया, ऑन हो गया। दो बार यहाँ ऑफ हो गया, ऑन हो गया। तो यहाँ पे स्वाइप करके, जब ये ऑन किया, जब ये चलाते टाइम जैसे ये ऑन हो गया, अब मैं क्या करूँगा इसको, आप देखिए कितना बढ़िया है, ये की का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है पावर की, सिर्फ यहाँ पे एक बार दो बार डबल क्लिक करो, हो गया। अब इसके यहाँ पे बहुत फास्ट है जो अपना स्क्रीन लॉक का, ये देखिए यहाँ लगाते ही, ठीक है, ये है बहुत बढ़िया। और आप से आपको मैं दिखा देता हूँ इसका सेटिंग में जाके, जस्ट ए मिनट। बहुत सारे सेटिंग है, बहुत सारे सेटिंग है आप इसमें। मैं 2 महीना हो गया पूरा, मैं सभी इसके बारे में पूरे सर्च नहीं किया अभी, जितना किया मैं आपको बताता हूँ, आपको देख के काफ़ी हैरान हो गए। तो इसको चलिए, काफ़ी बढ़िया रोम है। और यहाँ सिस्टम में जाओ, सिस्टम में जाने के बाद अबाउट फोन, ये देख पा रहे हैं 8.1। ठीक है, अब इसमें अब आ गया ऑडियो। दोस्तों, ये कितने मज़ेदार है, आप इसको यूज़ करिए। इसका और भी फीचर्स मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये है FM रेडियो। दोस्तों, ये FM रेडियो भी इसमें अवेलेबल है, और साथ में कैमरा, तो अब मेरे दो कैमरा इंस्टॉल है इसमें, एक गूगल कैमरा है और एक जो इसका डिफ़ॉल्ट कैमरा है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अलग से। ठीक है, ये गूगल कैमरा है, इसमें सेल्फी फ्रंट पोर्ट्रेट मोड भी है, बहुत बढ़िया से यूज हो रहा है। और इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने डाल रखा हूँ,
और बड़े बड़े एप्लीकेशन इसमें यूज हो रहे हैं और इतना फास्ट चलता है। ठीक है, राइट स्विप करेंगे तो डायरेक्ट गूगल सर्च आ जाता है, सबसे बेहतर है ये। ये देखिए नोटिफिकेशन बार बहुत सारा है, मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मैं इसीलिए ये एक दिखाना था कि आप लोग EMI A1 में जो स्टॉक एंड्रॉयड है उसको फ्लैश करिए और यूज़ करिए, बहुत बढ़िया हार्डवेयर इसके अंदर दिया गया है। फर्स्ट शुरुआत में 2 4 दिन 5 दिन थोड़ा बग लगेगा, धीरे 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 इसका ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है। अभी मेरे पास ये जो रैम है ये स्टेबल है, ये मुझे नहीं पता मैं कब तक यूज करूँगा, लेकिन मुझे यूज करना है जब तक एंड्रॉयड 8.1 जो स्टॉक एंड्रॉयड का वो नहीं आ जाता। ठीक है, अब बीच में मेरे को मूड आया था कि उसमें जो MIUI 9 इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया, तो मेरे को ये रोम अच्छा लगा और यूजेस एंड्रॉयड के लिए बहुत बढ़िया। ये इसका डिफॉल्ट लॉन्चर है, आप ये देख पा रहे होंगे, या मैं डिफॉल्ट लॉन्चर है, यहाँ पे प्रेस करके रखता हूँ, यहाँ पे मोर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे रहा है जो आप आइकन रख सकते हैं, यहाँ पे नौ नौ आइकन कॉलम और रॉ साइज में जितना रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं 5 5 ही रखा था, और आइकन पैक भी यहाँ चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने मन से, जो भी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड मारो और यहाँ आइकन पैक सेट कर दो, और यहाँ मोर में जाएंगे तो मैं यहाँ इसके इतना बारे में सारा पूरा ऑप्शन दे रहा डिटेल्स हूँ। आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। और आप लोग ये वीडियो को अगर लाइक करते हो या पसंद करते हो कमेंट्स करना, मैं इसके लिए पूरे डिटेल्स बताऊंगा। फिर आप लोग आज का वीडियो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और हो सकता है 8.1 आ जाए, अगर नहीं आया पेशेंस खो दिए तो फ़ोन को ख़राब मत करो या बेचो मत, बहुत बढ़िया फ़ोन है। यहाँ पे देखिए मैं कॉर्नर वाला लगा रखा हूँ, फ़ोन के अंदर कितना बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं ये वाला, देखिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर और कमेंट्स ये करना मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे को और काम करने को अच्छा रहेगा, तो मैं आपके लिए MI का जो रोम के बारे में बहुत बढ़िया वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलता हूँ, बाय बाय।